नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के इस वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। लंबे इंतजार के बाद राज्य शिक्षा मंडल द्वारा ली गई कक्षा 12वीं की परीक्षा के शालान प्रमाण पत्र परिणाम घोषित कर दिए गए। हर वर्ष की तरह इस बार भी लड़कियों ने लड़कों की तुलना में जबरदस्त बाजी मारी। इस बार राज्य का नतीजा 90.66% रहा, जिसमें कोंकण बोर्ड सबसे अव्वल रहा। वहीं राज्य में 93.88% छात्राएँ और 84.04% छात्र उत्तीर्ण हुए। राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा विगत फरवरी व मार्च माह में ली गई कक्षा 12वीं की शालान प्रमाण पत्र परीक्षा के नतीजे लंबी प्रतीक्षा के बाद गुरुवार 16 जुलाई को घोषित किए गए। विगत अनेक वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुरूप इस बार भी परीक्षा परिणाम में छात्राओं ने बाजी मारी है। बता दें कि राज्य के 9 विभागों से इस परीक्षा में कुल 14,13,687 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 12,81,712 परीक्षार्थियों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की। इसमें से 93.88% छात्राएं और 84.04% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इस परीक्षा में संपूर्ण राज्य के परिणाम का औसत 90.66% रहा है, जिसमें से 95.89% परिणाम के साथ कोंकण शिक्षा बोर्ड सबसे अव्वल रहा। वहीं सबसे कम 88.18% परिणाम औरंगाबाद शिक्षा बोर्ड का लगा। इसके अलावा 92.09% परिणाम के साथ अमरावती शिक्षा बोर्ड समूचे राज्य में चौथे स्थान पर रहा। इसके अलावा शाखा निहाय नतीजों में विज्ञान शाखा का 96.93, वाणिज्य शाखा का 91.27, एमसीबीसी शाखा का 86.07 तथा कला शाखा का 82.63% परिणाम आया है। बता दें कि इस वर्ष अमरावती संभाग से कुल 142,725 परीक्षार्थी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 191,434 परीक्षार्थियों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की है। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में 61,364 छात्राओं तथा 70,088 छात्रों का समावेश रहा। संभाग में कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्राओं का प्रतिशत 94.52 व छात्रों का प्रतिशत 90.07% रहा। अमरावती संभागीय बोर्ड में शामिल 5 जिलों में इस बार बुलढाणा जिला पहले स्थान पर रहा, जहां के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत 94.22 रहा। इसके पश्चात 94.08% के साथ वाशिम जिला दूसरे स्थान पर, 91.85% परिणाम के साथ यवतमाल जिला तीसरे स्थान पर, 90.80% परिणाम के साथ अकोला जिला चौथे स्थान पर और 90.31% परिणाम के साथ अमरावती जिला 5वें व अंतिम स्थान पर रहा। वहीं अमरावती जिले में नांदगांव खंडेश्वर तहसील का नतीजा सर्वाधिक 95.08 रहा। यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि गत वर्ष कक्षा 12वीं का अमरावती संभाग में परीक्षा परिणाम 87.55% था, जो इस वर्ष 5% के सुधार के साथ 92.09% रहा है। राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 12वीं के नतीजों में स्थानीय श्री शिवाजी साइंस कॉलेज के छात्र मोहन मुरली तीरथकर तथा श्रीमती केशरबाई लाहोटी महाविद्यालय की वाणिज्य शाखा की छात्रा श्रेया अग्रवाल ने शानदार 97.69% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए अमरावती संभाग में संयुक्त रूप से टॉपर रहने का बहुमान हासिल किया है। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि वाणिज्य शाखा से 97.69% अंक प्राप्त करने वाली श्रेया अग्रवाल संभवतः वाणिज्य शाखा से समूचे राज्य में पहले स्थान पर है। मेरा नाम श्रेया अजय अग्रवाल है, मेरी मम्मी का नाम कल्पना अजय अग्रवाल है। मैंने 12वीं कक्षा श्रीमती केशरबाई लाहोटी विद्यालय से की है और ट्यूशन RCF से ली है। मेरे 12वीं में परसेंटेज 97.7 आए हैं। मेरे सक्सेस का राज डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क और सिंसियरिटी को दूंगी मैम। और मेरे सभी भाइयों बहनों का और माता पिता और टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है ये सक्सेस हासिल करने में। मिली जानकारी के मुताबिक श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय के छात्र मोहन मुरलीधर तीरथकर ने कुल 650 अंकों में से 635 अंक हासिल किए हैं, साथ ही उसे गणित विषय में पूरे अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं केशरबल लाहौटी कॉलेज की वाणिज्य शाखा की छात्रा वाणिज्य संकाय से परीक्षा देते हुए 650 अंकों में से 635 अंक हासिल करते हुए यह परीक्षा 97.69% अंकों के साथ
उत्तीर्ण की है। मेरा नाम श्रुति हरीश अग्रवाल है, मेरी मम्मी का नाम कृष्णा अग्रवाल है, मैं श्रीमती केशरबाई लावटी की स्टूडेंट हूँ। मुझे मेरे कॉलेज ने और RCF ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे इंस्पिरेशन मेरी मम्मी पापा है, दोनों ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, हर चीज़ में मेरा साथ दिया है, और मेरे फ्रेंड्स और मेरे सब कलीग्स वगैरह सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मेरे सक्सेस का राज है सिर्फ हार्डवर्क के सिवाय कोई और दूसरी चीज़ है ही नहीं। देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सो सिर्फ कंटिन्यू टू योर वर्क, बी कंसिस्टेंट एंड यू विल अचीव योर गोल्स। जिसके चलते मोहन तिरथकर व श्रेया अग्रवाल समूचे संभाग में संयुक्त रूप से टॉपर रहे हैं। वहीं अब तक मिली जानकारी के मुताबिक श्रेया अग्रवाल संभवतः समूचे राज्य में वाणिज्य शाखा से सर्वाधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होकर पहले स्थान पर रहने वाली छात्रा हैं। अमरावती जिले में गुरुवार को एक भाजपा पार्षद सहित कुल 26 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही अब अमरावती में कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1085 पर जा पहुंचा है। उल्लेखनीय है कि दो दिन पूर्व ही अमरावती में कोरोना के संक्रमितों की संख्या ने 1000 के आंकड़े को पार किया था, और अब दो दिन के भीतर ही यह आंकड़ा आगे बढ़कर 1000 के बाद एक नया शतक बनाने की ओर अग्रसर है। वहीं बीती रात अंजनगांव सुरजी निवासी 43 वर्षीय कोरोना संक्रमित व्यक्ति की कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही अमरावती जिले में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 36 हो गई है। वहीं इससे पहले बुधवार की देर रात 32 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसमें से 20 लोगों की रिपोर्ट विद्यापीठ की कोविड टेस्ट लैब व 4 लोगों की रिपोर्ट नागपुर की कोविड टेस्ट लैब से प्राप्त हुई थी। वहीं 8 लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद देर रात कोरोना पॉजिटिव पाए गए अंजनगांव सुरजी निवासी 43 वर्षीय पुरुष की कोविड अस्पताल में मौत हो जाने की जानकारी है। बता दें कि अमरावती में अब तक 667 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज दिया जा चुका है, और इस वक्त कोविड अस्पताल में 382 मरीजों का इलाज चल रहा है। शहर के मध्यस्थल राजकमल चौक स्थित खापड़ेवाड़ा की जीर्ण शीर्ण और जर्जर हो चुकी इमारत को जैसे थे रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। साथ ही इस संदर्भ में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती मनपा सहित खंडेलवाल परिवार को एक नोटिस जारी की है। बता दें कि स्थानीय राजकमल चौक पर स्व द्वादा साहेब खापड़े की मिल्कियत वाला बेहद पुराना खापड़ेवाड़ा है, जिसे काफ़ी अरसा पहले खापड़े परिवार ने शहर के विनोद खंडेलवाल व खंडेलवाल परिवार को बेच दिया था। इस जीर्ण शीर्ण इमारत में विगत कई वर्षों से 9 किरायेदार रह रहे हैं, जिनकी यहां पर व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खंडेलवाल परिवार द्वारा इमारत खाली करने के लिए कहा गया था, जिसके पश्चात किरायेदारों ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट द्वारा 7 अगस्त 2019 को किरायेदारों की याचिका खारिज कर दी गई थी। पश्चात किरायेदारों ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी और मनपा द्वारा पेश की गई ऑडिट रिपोर्ट में कई खामियां रहने की बात कही थी, किंतु इसके बावजूद 30 जून 2020 को उच्च न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी, जिसके चलते किरायेदारों ने 8 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, जहां पर न्यायमूर्ति डॉक्टर BY चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति KM जोशी की खंडपीठ ने इस पूरे मामले को सुना। साथ ही मनपा द्वारा दाखिल किए गए ऑडिट रिपोर्ट का भी अध्ययन किया, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी लेने पर दोनों न्यायमूर्तियों ने खापड़ेवाड़ा को फिलहाल जैसे थे की स्थिति में यथावत रखने का आदेश जारी किया है। साथ ही मनपा व खंडेलवाल परिवार को उनका पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया है। ऐसे में अब सभी की निगाहें मनपा एवं खंडेलवाल परिवार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रखे जाने वाले अपने पक्ष की ओर लगी हुई हैं। शहर के मध्यस्थल जयस्तंभ चौक पर स्थित महात्मा गांधी मार्केट का महावीर प्लाजा दवा बाजार की ओर रहने वाला एक हिस्सा बीती रात ढहकर गिर गया, जिसके चलते इस 3 मंजिला इमारत के एक हिस्से में रहने वाली 10 दुकानें और 5 ऑफिस पूरी तरह से ध्वस्त होकर जमींदोज हो गए। इन प्रतिष्ठानों के संचालकों का प्राथमिक अनुमान के मुताबिक करीब 2.5 करोड़ रुपयों से अधिक का नुकसान हुआ है। शहर के मध्यस्थल में रहने वाले 56 वर्ष पुराने महात्मा गांधी मार्केट का यह हिस्सा बीती रात करीब 2:45 बजे के आसपास पूरी तरह से ढह गया। इस समय यहाँ पर 2 चौकीदार भी ड्यूटी पर तैनात थे, जो इस क्षतिग्रस्त इमारत के मलबे में दब गए। पश्चात इस हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे मनपा के दमकल दस्ते ने तुरंत ही JCB मशीन की सहायता से मलबा हटाते हुए इन दोनों चौकीदारों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब इन दोनों चौकीदारों का स्वास्थ्य खतरे से बाहर बताया जाता है। अमरावती महानगर सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ मृत्यु दर में भी लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके चलते प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए
मनपा प्रशासन द्वारा अब शहर के निजी अस्पतालों को अधिग्रहित करने की तैयारी शुरू की गई है, जिसके तहत ICU बेड व अति दक्षता कक्ष रहने वाले निजी अस्पतालों की जानकारी संकलित की जा रही है। इसके साथ ही अधिग्रहण के लिए इनकार करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मानसिकता प्रशासन द्वारा बना ली गई है। बता दें कि अमरावती में अब तक कुल 1085 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 36 मरीजों की मौत हो चुकी है और इस वक्त लगभग 400 मरीजों का शहर के कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि निकट भविष्य में मरीजों को भर्ती करने हेतु बड़े पैमाने पर अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल स्वास्थ्य प्रशासन के पास सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कोविड हॉस्पिटल सहित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर राजेंद्र गोड़े अभियांत्रिकी महाविद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथी कॉलेज व बेस्ट हॉस्पिटल के कुल 400 बेड की व्यवस्था है। ऐसे में मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए मनपा प्रशासन द्वारा हर स्तर पर तमाम आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों को अधिग्रहित करने के पर्याय पर काम किया जा रहा है। कोरोना के चलते उपजे हालात को ध्यान में रखते हुए अमरावती जिले से विधानसभा व विधान परिषद पर निर्वाचित सभी विधायकों ने कोरोना प्रतिबंधात्मक साहित्य व आवश्यक यंत्र सामग्री खरीदने हेतु प्रशासन को अपने विधायक निधि से 20-20 लाख रुपए की निधि उपलब्ध कराई है। बता दें कि राज्य सरकार ने COVID-19 यानी कोरोना वायरस पर किए जाने वाले प्रतिबंधात्मक कामों के लिए विधायक निधि से 50 लाख रुपयों तक की निधि उपलब्ध कराने हेतु मान्यता प्रदान की है। साथ ही विधायकों की ओर से स्थानीय विकास कार्यक्रम के तहत वैद्यकीय यंत्र सामग्री हेतु निधि की सिफारिश करने पर जिलाधिकारी द्वारा उसे मान्यता प्रदान करने का निर्देश सरकार की ओर से जारी किया गया है, जिसके चलते जिले के सभी विधायकों ने जिला स्वास्थ्य प्रशासन को आवश्यक यंत्र सामग्री व कोरोना प्रतिबंधात्मक साहित्य खरीदने हेतु अपनी विधायक निधि से 20-20 लाख रुपए की निधि उपलब्ध कराई है। इस रकम से इंफ्रारेड थर्मामीटर, कोरोना टेस्टिंग किट, ICU, वेंटिलेटर, PPE किट्स, आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटाइन व्यवस्था तथा वैद्यकीय कर्मचारियों के लिए मास्क, ग्लोव्स, सैनिटाइजर व अन्य आवश्यक साहित्य की खरीदी की जा सकेगी। जिला नियोजन विभाग ने विधायकों से प्राप्त निधि को आवश्यक यंत्र सामग्री व खरीदी के लिए जिला शल्य चिकित्सक व जिला स्वास्थ्य अधिकारी के सुपुर्द कर दिया है। शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण न बढ़ने पाए, इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्तालय के आदेश पर यातायात पुलिस विभाग ने शहर में दुपहिया वाहनों पर डबल सीट चलने पर पाबंदी लगाई है। फिर भी कुछ लोग खुलेआम यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके चलते यातायात पुलिस विभाग द्वारा डबल सीट वाहन चलाने वाले वाहन धारकों का चालान काटते हुए उनसे दंड वसूला जा रहा है। ऐसे में कई लोग पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए अपने वाहन लेकर दौड़ते भागते नजर आते हैं, लेकिन अब पुलिस से बचकर भागना भी वाहन चालकों के लिए काफ़ी महंगा सौदा साबित होगा। ऐसे वाहनों के नंबर दर्ज करते हुए उनके नाम से 500 रुपये का चालान काटा जाएगा और यह चालान संबंधित वाहन चालकों के घर भेजा जाएगा। स्थानीय झूलेलाल सेवा समिति द्वारा झूलेलाल चालीसा महोत्सव के उपलक्ष्य में गड़गड़ेश्वर मार्ग स्थित हिंदू स्मशान भूमि मोक्षधाम में भगवान झूलेलाल साई की प्रतिमा की स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस समय हिंदू मोक्षधाम संस्था के अध्यक्ष RB अटल व झूलेलाल सेवा समिति के महेश मूलचंदानी व पंडित महेश शर्मा ने उपस्थित रहकर भगवान झूलेलाल की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही इस अवसर पर प्रतिमा की पूजा अर्चना करते हुए प्राण प्रतिष्ठा की गई। बता दें कि इससे पहले इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा व अनावरण हेतु एक कार्यक्रम आयोजित करने का नियोजन किया गया था, किंतु ऐन समय पर कोरोना के खतरे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए आयोजकों द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। इसके स्थान पर बेहद सीमित संख्या में गणमान्यों की उपस्थिति में भगवान झूलेलाल की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा अर्चना कर प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जिले में इस समय हर ओर झमाझम बारिश जारी है और तमाम नदी नाले बड़े उफान के साथ बह रहे हैं। जिले की नांदगांव खंडेश्वर तहसील के शेलू गांव के समीप बेमला नदी में गत रोज 3 युवक मछली पकड़ने के लिए गए थे। इस दौरान पानी में उतरे 2 युवकों में से नितिन शेंडे नामक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसका अब तक कहीं कोई पता नहीं चला है। देर रात तक NDRF की रेस्क्यू टीम शेंडे की खोज में जुटी थी। घटनास्थल पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थानेदार और पुलिस की टीम अब तक डटी हुई है। अंजनगांव पुलिस थाना क्षेत्र में एक पुत्र ने अपने पिता के गले पर पैर रखकर उसे जान से मार डाला। जानकारी है कि देर रात के समय शराब के नशे में पिता व पुत्र के बीच विवाद हुआ। उस वक्त 20 वर्षीय बेटे सौरभ राजेंद्र विसलकर ने अपने 45 वर्षीय पिता राजेंद्र रामदास विसलकर के गले पर उसे पैर रखकर उसे मार डाला।
ये दिल दहला देने वाली यह सनसनीखेज घटना अंजनगांव सुरजी के पानाडाई चौक परिसर में घटित हुई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज स्थानीय अदालत में पेश कर उसकी पुलिस कस्टडी मांगी गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों पिता पुत्र किराए के मकान में रहकर मजदूरी का काम करते थे। बेटे को शराब पीने की लत थी, जिसके कारण आए दिन दोनों के बीच विवाद हुआ करता था और ऐसे ही एक विवाद के तहत बीती रात बेटे ने अपने पिता को मार डाला। अब सेंट्रल जेल में बंद कैदियों की अपने वकीलों के साथ ऑनलाइन मुलाकात हो सकेगी। कोरोना के चलते सरकारी आदेश पर कारागार में एक नया पर्याय उपलब्ध कराया गया है। अदालती आदेश के चलते अलग अलग अपराधों में पकड़े जाने के बाद सेंट्रल जेल में बंद कैदियों की अब अपने वकीलों के साथ ऑनलाइन मुलाकात करवाई जाएगी, जिसके लिए गृह विभाग ने कारागार में ईमेल अकाउंट के माध्यम से कॉल और ऑनलाइन मुलाकात की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए गृह एवं कारागार प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि इस समय तक नागपुर व अकोला जिले की जेलों में कोरोना की एंट्री हो चुकी है, जिसके चलते अब राज्य के सभी मध्यवर्ती व जिला कारागार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु विविध उपाय किए जा रहे हैं। इसी के तहत ऑनलाइन मुलाकात का यह निर्णय लिया गया है। राज्य शिक्षा मंडल द्वारा फरवरी व मार्च माह में ली गई कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सभी विद्यार्थियों को इसके बाद की जाने वाली हर तरह की प्रक्रिया ऑनलाइन करनी होगी। बता दें कि आज ही कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। यदि इसके पश्चात किसी विद्यार्थी को अंक पड़ताल, उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रतिलिपि, पुनर्मूल्यांकन तथा स्थानांतरण प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस आशय का निर्णय संभागीय शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित किया गया है। शहर में इन दिनों अचानक ही सब्जी विक्रेताओं की संख्या बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि इन दिनों कोरोना के चलते हाथ मजदूरी करने वाले कई लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में कई सारे लोगों ने अपना घर परिवार चलाने के लिए सब्जी व्यवसाय करने का निर्णय लिया है, जिसकी वजह से इन दिनों गली मोहल्लों में साग सब्जी और फलों की दुकानों और छोटी गाड़ियों की संख्या काफ़ी अधिक दिखाई दे रही है। एक अनुमान के मुताबिक इस समय अमरावती शहर में सब्जी विक्रेताओं की संख्या में 25% का इजाफा हुआ है। कल शाम से दूसरे जनता कर्फ्यू की होगी शुरुआत। बता दें कि इस समय अमरावती के जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार की शाम 7 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू किया जाता है। ये जनता कर्फ्यू पिछले हफ्ते से ही लगाना शुरू किया गया है और इस बार इस जनता कर्फ्यू का दूसरा मौका रहेगा, जिसके तहत शनिवार व रविवार को पूरे शहर सहित जिले में हर ओर सन्नाटा दिखाई देगा और सोमवार से बाजार संबंधी गतिविधियां नियमित हो सकेंगी। बता दें कि इस समय प्रशासन द्वारा अमरावती शहर में सम व विषम संख्या के आधार पर P1 व P2 की पद्धति लागू की गई है, जिसके तहत अलग अलग तारीखों पर अलग अलग क्षेत्र की दुकानें खुलती हैं, किंतु प्रति शनिवार और रविवार को शहर में 2 दिनों का जनता कर्फ्यू लागू रहने की वजह से कुछ दुकानों को महज 2 दिन और कुछ दुकानों को मात्र 3 दिन प्रति सप्ताह खुलने का अवसर मिल रहा है, जिसकी वजह से शहर के व्यापारियों में P1 व P2 की पद्धति के साथ ही जनता कर्फ्यू को लेकर काफ़ी नाराजगी है और व्यापारियों ने मांग की है कि अगर जनता कर्फ्यू का पालन करवाया जा रहा है तो P1 व P2 की पद्धति को रद्द किया जाए। अंत में कुछ प्रमुख खबरें। नागपुर में एक बस से 3 करोड़ का गांजा बरामद, विदर्भ की अब तक की सबसे बड़ी गांजा विरोधी कार्रवाई। जिलाधिकारी के आदेश पर अब सभी कर्मचारियों को अपने मुख्यालय वाले स्थान पर ही रहना होगा। अब से सरकारी कर्मचारियों को अपना मुख्यालय छोड़कर अपने निवास क्षेत्र के बीच रोजाना अपडाउन करने की अनुमति नहीं रहेगी। शहर के वन्यजीव प्रेमियों में काफ़ी हर्ष का माहौल। कल मुख्यमंत्री ठाकरे ने मेलघाट में वन्यजीवों की रक्षा हेतु रेलवे ब्रॉडगेज को न बढ़ाने की केंद्र सरकार से विनती की थी। अमरावती शहर व जिले सहित संभाग और देश व दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें मंडल न्यूज़ बुलेटिन पर रोजाना शाम यूं ही आपके सामने पेश होती रहेंगी। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। आपकी प्रतिक्रिया आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर।